हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली मिश्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या कह ले एड। इसमें पढ़ेंगे तीन चीजें, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। टीचिंग एप्टीट्यूड का काफी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, सारे सेशन आपको मिस नहीं करने हैं। प्रीवियस सेशन अगर आपने मिस किए हैं तो उनको जरूर देखना, 13 सेशन पे आ चुके हैं। इसके पहले मैं 12 सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पेपर वन इसलिए इंपॉर्टेंट है और स्पेशली पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी 10 यूनिट में से इस यूनिट से, पर्टिकुलर इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी 8 क्वेश्चन आए थे पर्टिकुलर इसी यूनिट से, जिसमें से जो 5 क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे, 3 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कहीं से स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। बहुत ही क्रक्स वे में आज का सेशन करेंगे और एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीजें पढ़ेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो, फेसबुक का ये लिंक है, इंस्टाग्राम का ये लिंक है एंड टेलीग्राम का ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं मिलती है आपको क्या PDF, यही मिलती है आपको मॉक टेस्ट जो भी हम लगाते हैं उनकी PDF फॉर्म में चीजें मिलेंगी या लिंक्स आपको मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या जो भी चीजें हैं हम लोग जो भी सेशन अपलोड करने वाले होते हैं उनके बारे में डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन जो भी चीजें हैं आपको यही टेलीग्राम के लिंक पे मिलती है। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इसके माध्यम से आपको इंटीमेट करना। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई। नेक्स्ट, आपका प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओगे तो मिल जाएंगे क्या पुरानी जो वीडियोज अपलोड करी है सिक्वेंस वाइज, सेशन वाइज, 1, 2, 3, 4, अब तक 12 सेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज 13 सेशन है। तो सारे सेशन का सीक्वेंस वाइज आपको यहीं पे मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, तो क्या है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, बहुत एकदम क्रक्स में पढ़ेंगे, जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को उठाएंगे और लास्ट में आपका जो कौनस का एक्सपीरियंस है डेल्स का उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि क्योंकि एग्जामिनेशन में डेल्स के एक्सपीरियंस से जिन्होंने फोन बेसिस वाला एक्सपीरियंस किया था उससे क्वेश्चंस आते हैं। सो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है कि आपकी टीचिंग को, मतलब आपके लर्निंग प्रोसेस को, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ एड्स या कुछ बोलने सपोर्ट, एड का मतलब क्या, एक तरीके का हेल्प बोल सकते हो या सपोर्ट बोल सकते हो, वो सारे सपोर्ट सिस्टम जो आपकी टीचिंग और लर्निंग को क्लास के दौरान या जब भी सेशन चल रहा था उसके दौरान हेल्प करते हैं। अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, वो हर एक चीज जो कि आपकी टीचिंग को कहीं ना कहीं आसान बनाते हैं वो सारी चीजें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आ जाते हैं या टीचिंग सपोर्ट एड बन जाते हैं। ये क्यों है होता है, अब देखो, अब आपकी जो रीडिंग है, जो आपके स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए और आपकी जो रीइन्फोर्सेबिलिटी है, मतलब कि किसी चीज को सुदृढ़ करने की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग सपोर्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी लर्निंग्स को फन वे में बनाने के लिए या लर्निंग को आपकी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचिंग सपोर्ट एड्स की आवश्यकता होती है। एड्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिनका इस्तेमाल करके एक शिक्षक, एक टीचर अपनी बातें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सारी चीजें शेयर करता है किसे, लर्नर से या स्टूडेंट से। एक बात समझ में आ गई, एड का मतलब क्या, एड का मतलब कि सपोर्ट करना या हेल्प करना, या एक तरीके का आप बोल सकते हो इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो कि एक टीचर को हेल्प करती हैं और एक लर्नर को भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं चीजों को लर्न करने में। लर्नर को हेल्प करती हैं लर्न करने में, टीचर को हेल्प करती हैं लर्नर तक अपनी चीजों को, मतलब अपनी नॉलेज को, ठीक है, जितने भी उसके पास इंफॉर्मेशन है या जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं या एक्स वाई जेड कोई भी चीजें हैं, ठीक, तो ये सारी चीजों को लर्नर तक या स्टूडेंट तक पहुंचाने में फैसिलिटेट करती हैं, एड करती हैं। तो वो सारे सपोर्ट सिस्टम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आ जाते हैं। अब इसमें क्या कुछ चीजें हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, टीचिंग एड्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो चौक एंड बोर्ड, चौक के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से आपको टीचर अपनी बातें समझाता है, लिखता है, पढ़ाता है, पिक्चर के थ्रू, देन बुक्स के थ्रू जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनके थ्रू, या अगर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर हम बात करें फिजिक्स की बात करें क्लास की या केमिस्ट्री की क्लास की बात करें तो कई बार, या ज्योग्राफी की क्लास की बात करें स्पेशली, तो कई बार आपको ग्लोब टीचर दिखाता है, ग्लोब जिसमें कि पूरा मैप दिखाता है वो आपको, या मैप दिखाता है ना, इस तरीके की चीजें वो आपको दिखा करके आपकी टीचिंग को क्या करते हैं, आपकी लर्निंग को और बेहतर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो जब आप इस्तेमाल करते हो स्टूडेंट्स तक या लर्नर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लर्निंग्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं क्या, उन्हीं सारी चीजों को बोलते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि DVD और कंप्यूटर के थ्रू आप चीजों को एनहांस वे में लाइव एंड जीवंत क्लासरूम सेशन चला रहे हो, क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो,
तो ये सारी कुछ चीजें हो गई जिसमें कि कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है वो उसको काफी सपोर्ट मिल जाती है, आपके पढ़ाने का जो कौशल है, जो तरीका है, स्टूडेंट्स को मटेरियल को डिलीवर करने की जो चीजें हैं वो काफी सारी आपको कन्वीनियंट वे में आप उनको अच्छी से अच्छी चीजें दे सकते हो और आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये एक तरीके का क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिनका इस्तेमाल करके या डिवाइस के थ्रू आप क्या करते हो, टीचर सारे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से कैरी ऑन करता है। तो ये तो एक बात हो गई। देखो टीचिंग लर्निंग जो एड्स होते हैं वो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम होता है टीचर के द्वारा अपनी बात स्टूडेंट्स तक या लर्नर तक पहुंचाने के लिए। ये कभी भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो एड्स होते हैं कह लीजिए, ये सारी जो चीजें हैं इनको यूज कौन करता है, टीचर करता है। तो ये टीचर के लिए एक सहूलियत प्रदान करते हैं कि अपनी बातों को या अपने नॉलेज को या लर्निंग को बहुत इफेक्टिव वे में और एकदम बोल सकते हो फन वे में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है, बट ये टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक, अब आप ये कह लें कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में टीचिंग जो एड्स हैं सिर्फ अगर उन्हें ही बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाए तो बच्चे जो है सीख सकते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि ये संभव ही नहीं है। अब देखो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपके सामने है, सिस्टम आपके सामने है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका यूजर कौन है, आप हो यूजर। तो आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो ये भी बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं, ये जब आपका स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है, इनकेस अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया इस पर्टिकुलर यूनिट से, तो ये पूछ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग एड्स आर एड्स अवेलेबल टू द टीचर एंड दे कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर बाय मीन्स बाय एनी मीन्स, मतलब वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब इस बात में सच्चाई है, फैक्ट है इस बात में। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट आपका है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। देखो हर एक इंडिविजुअल की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो चीजों को भूल जाता है। लर्नर या स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ समय तक उनको चीजें याद रहती हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके कोई चीज बताते हो, कोई कंसेप्ट बताते हो, तो उनको वो याद रह जाता है। अगर मैं आपको कोई चीज डायग्राम शो करके दिखाऊंगी, है ना, आप अभी क्या कर रहे हो, आप अभी लाइव सेशन एक तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो, पीपीटी को देख पा रहे हो, तो इस चीज की जो रिमेम्बरेंस है, जो आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे बाद में, आपको ये बहुत हेल्प करेगा रिटेनमेंट में। इसका रिटेनमेंट आपके लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, लेकिन अगर आप इसी चीज को अगर बुक की चीजों में देख करके पढ़ोगे ना तो आप उसको जल्दी भूल जाओगे। ठीक, तो एक तो बात ये हो गई कि इस वजह से इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि टीचर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेटर तरीके से लर्न कर पाते हैं और काफी मोटिवेटेड भी होते हैं जब उनको डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग पैटर्न या टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके उनको कोई चीजें बताई जाती हैं। जब आप उनको कोई प्रॉपर इमेजेस दिखाते हो, स्टूडेंट्स को देखता है, उसको सुन पाता है, जैसे आप अभी देख रहे हो सेशन, कान से सुन भी पा रहे हो। जब आप बायोलॉजी की क्लास में जाते होगे तो आपको बहुत सारी चीजें मतलब आप प्रैक्टिकल करके देखते हो, एक्सपेरिमेंटल वे में करके देखते हो। जो होम साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बीए कर रहे होते हैं, वो कई बार उनको क्या कुकिंग के लिए बोला जाता है कि आप कुकिंग करो, खाना बनाओ, है ना, तो वो टेस्ट भी कर पाते हैं, वो स्मेल भी कर पाते हैं। तो अलग अलग वे में अलग अलग तरीका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग एड्स का या सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है टीचर्स के थ्रू अच्छी और बेहतर लर्निंग प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को लंबे समय तक याद रहे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं क्लास 9th 10th में थी तो फिजिक्स में हमें एक स्पेक्ट्रम करके दिखाते थे जिसमें कि सूरज की रोशनी से वो कुछ पिरामिड टाइप का ऐसा होता था। इसके थ्रू क्लासरूम में प्रैक्टिकल टाइप का कराते थे, सूरज की रोशनी इसमें पड़ती ठीक 12 बजे होता था, हमारी क्लास भी लगभग 12 ही बजे होती थी। ये पिरामिड के ऊपर की रोशनी पड़ती थी और यहाँ से कुछ रेज निकलती थी, वो 7 तरीके की रेज निकलती थी, मतलब इसको स्पेक्ट्रम बोलते थे। ठीक, तो ये क्या था, ये उन्होंने एक प्रैक्टिकल ऐसे करके कुछ चीज बता दी ना जो याद रह गई, अभी भी याद है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल बताई थी। सोचो क्लास 9 10th की बात है ये, तो वो एक बात है। फोर्थ क्या है कि कंप्लीट एग्जाम्पल अगर आप देते हो कॉन्सेप्चुअल बेसिस में, तो उनको स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है, एक अच्छा बेटर इन्वायरमेंट बन जाता है, इंटरेस्ट भी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट हो जाता है, उनकी वोकैबुलरी भी काफी स्ट्रांग होती है ना। अगर आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हो, इनका इस्तेमाल करके आप उनके शब्द कोश को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन मजबूत बना सकते हो। टीचिंग जो एड्स होता है ये हेल्प करता है टीचर्स को टू गेट समथिंग समटाइम्स एंड मेक लर्निंग परमानेंट, मतलब कि जो लर्निंग है, जो प्रोसेस चल रहा है लर्निंग को परमानेंट बनाने के लिए टीचिंग एड बहुत है। परमानेंट का मतलब क्या, लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसको लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। परमानेंट का मतलब टीचिंग में यही होता है ना। टीचिंग एड प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को इन लॉन्ग रन। देखो एलओजी है यहाँ पे, लॉन्ग होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, लॉन्ग रन में आपको काफी हेल्प करता है। तो ये तो एक बात हुई, अब आपको समझ में आया कि टीचिंग की क्यों
नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, नीड क्या है ना। बेसिकली आपके लिए हर तरीके से ये एक सहूलियत प्रदान करने वाला है टीचिंग, इसलिए टीचिंग एड इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो एक बात हो गई, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस देख लो कि इसकी महत्वता क्या है टीचिंग एड की। नीड तो समझ में आ गई, महत्वता इसलिए है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल जाता है, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जो टीचिंग है वो मोटिवेट करती है, बिकॉज वो लर्न कर सकते हैं बेटर वे में, क्लैरिफिकेशन हो जाता है उनके जो कंसेप्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लैरिफाई अच्छे से हो जाता है, समझ में जल्दी से आ जाता है। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग, रटने वाली, क्रैमिंग का मतलब क्या होता है, रटना, किसी चीज को रटना। तो रट्टू तोते वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होती है, क्योंकि टीचिंग एड से फैसिलिटेशन होता है। फैसिलिटेशन का मतलब क्या कि आपको कहीं ना कहीं सहूलियत प्रदान होती है, सुविधा होती है, प्रॉपर अंडरस्टैंड आप कर पाते हो कंसेप्ट को, तो ये रटने वाला चीज खत्म हो जाता है। जब आप किसी कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो वो रटने वाली चीज वहां पे खत्म हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या इंक्रीज है, वोकेबुलरी, आपकी जो वोकैब है तो वोकेबुलरी को भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाती है। इफेक्टिव वे में आप चीज़ों को, नई नई शब्दकोश को आप समझ पाते हो, आपका टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है ना। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन से कहीं ना कहीं टीचर बच जाता है और स्टूडेंट्स को भी कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्लासरूम काफ़ी लाइव हो जाता है और एक्टिव हो जाता है क्योंकि आप चीज़ों को विजुअलाइज करके दिखा रहे हो, एकदम इन लाइव करके दिखा रहे हो, सजीव रूप से दिखा रहे हो, तो क्लासरूम का माहौल काफ़ी लाइव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, स्टूडेंट्स जो है वो काफी पार्टिसिपेट करते हैं और डलनेस भी खत्म हो जाती है। स्टूडेंट्स एकदम एक्टिवली बने रहते हैं, लाइवली रहते हैं, पार्टिसिपेटरी रहते हैं, मतलब ध्यान से सुनते हैं, आंख कान नाक खोल करके, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए तो इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि अभी, देखो अभी आप जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, बिल्कुल आप ये समझो कि अगर सिर्फ मैं बोल रही होती तो बाकी एकदम मोनोटोनस हो जाता, मजा नहीं आता, लेकिन आप देख रहे हो उसको और एक प्रॉपर वे में देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये आपको कुछ वक्त तक याद रहने वाली चीज है। ठीक, अब टीचिंग एड के टाइप्स क्या है, देखो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उनके हिसाब से हम टाइप्स पढ़ते हैं। पहले तो ये जान लो कि ये जो कंसेप्ट आया है ना, पहले नहीं था, ये एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट आया है, हुआ है यूजीसी के सिलेबस में। मतलब नया का मतलब ऐसा नहीं है कि इसी साल आया है, बट ये तकरीबन 2014 या 15 के बाद से ये नया कंसेप्ट है, उसके पहले कंसेप्ट सारी चीजें नहीं थी। तो इस नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनके टीचिंग एड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, दूसरा मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम और तीसरा आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। क्या कुछ है, एक वन बाई वन करके पढ़ेंगे, फटाफट से पढ़ेंगे। मेरी आज पीपीटी थोड़ी स्लो चल रही है, आई डोंट नो कि क्यों चल रही है, बट थोड़ी सी स्लो चल रही है। एनीवेज, सो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, मतलब पुराने, एक ट्रेडिशनल का मतलब ही समझ में आ गया कि पारंपरिक रूप से जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम चला रहा है, मतलब कि अगर आप बात करें कि वो सारे टीचिंग एड्स जो कि पारंपरिक तरीके से, मतलब पुराने जमाने में कह सकते हैं या पुराने तरीके कह सकते हैं, जमाना तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन पुराने तरीके, क्योंकि वो आज भी यूज हो रहा है, तो जमाना तो वही है, एक तरीके की बात हो रही है। ठीक, तो जो पुराने आप बोल सकते हो सपोर्ट सिस्टम है या ट्रेडिशनल वे है जिनका इस्तेमाल आज भी हो रहा है, जैसे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके, टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करके, चार्ट्स, पिक्चर, पोस्टर्स, मैप, एटलासेस, ग्लो, फ्लैश कार्ड, वर्कशीट्स, कार्ड, साइंस में जो आपको लैब अपर्चर्स मटेरियल्स वो सारी चीज़ें दिखाते हैं ना एक्सपेरिमेंटल करके, ये अच्छी भी चीज़ है ना। जो लोग स्कूल जाते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत काम करती हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना तो आप, मतलब हर एक चीज़ का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उस पर नहीं जाते हैं, बट ठीक है, बच्चों को इसी तरीके से अगर आप समझाएंगे ना तो उनकी जो संज्ञानात्मक शक्ति है, कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, आप उनको और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे। ये जो ऑनलाइन का प्रोसेस है, बच्चे अगर एक समय के बाद ही, मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि बच्चे अगर एक समय के बाद ही ऑनलाइन की दुनिया से, ऑनलाइन वर्ल्ड से अगर जुड़े तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, मतलब ठीक है, एक उम्र तक उनको ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से ही अगर वो पढ़े तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, संज्ञानात्मक शक्ति है, बुद्धि है, उनका विकास और बेहतर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ तो जरूरी है ही, मतलब समय के साथ बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा, है ना। फिर क्विजेस हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गई, ड्रामेटाइजेशन करके, एक्ट वगैरह, डिक्शनरी वगैरह करके, इनसाइक्लोपीडियस, शब्दकोश, रेफरेंस बुक, लर्निंग टॉयज एंड बैस्कस। ठीक है, बैस्कस का मतलब क्या, देखा होगा कि मतलब
पहले के टाइम में क्या होता था कि एक स्लेट टाइप की चीजें होती थी, है ना, उनमें इस तरीके की लड़ियां होती थी ऐसे, इसको बोलते हैं बास्कस टाइप का, ठीक है। इसमें एक दो तीन हो गया, इसमें एक दो हो गया, इसमें एक दो तीन चार हो गया। तो बच्चों को बोलते हैं कितना काउंट करो इसमें कितना है, तो बच्चा 1 2 3 काउंट किया, यहाँ पे नीचे लिखा 3, 1 2 काउंट किया, यहाँ पे नीचे लिखा 3, 1 2 4 काउंट किया 3। अब इसको प्लस करने का बोलेगा, प्लस करो, प्लस करोगे कितना, इतना है, तो मतलब इसको प्लस करो, 4 + 3 + 2, 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये इस तरीके से मतलब अवेस्कस का मतलब यही होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बता दिया। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, मतलब पारंपरिक रूप से इस प्रकार से चीजें होती हैं। अब जब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा और अच्छा हुआ, तो टीचिंग के लिए आपके कुछ और एड्स आए, कुछ और सपोर्ट सिस्टम आए, जिनको आप बोलते हो क्या मॉडर्न टीचिंग एड्स, जिनमें आपके लैपटॉप्स के थ्रू जो पढ़ाई होती है, इंटरनेट सर्फिंग के थ्रू पढ़ाई होने लगी, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बुक, ई रीडिंग, कंप्यूटर एडुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज, फलाना ढमकाना, पिक्चर डिक्शनरी, हिना तेना, ये सब देख लो भाई, है ना, ये सारी चीजें आ गया, जिसमें आपका टीवी चैनल्स भी आ गया, ठीक है, एडुकेशनल सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर के थ्रू, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड सेशन, स्मार्ट बोर्ड, इन सब के थ्रू जो भी आप पढ़ाई करते हो वो मॉडर्न टीचिंग एड्स आ गया। अब सोचोगे आईसीटी क्या है, तो आईसीटी का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है बट थोड़ा सा इन्हांस्ड वे में है। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी कैप्चरिंग होती है, कैप्चरिंग होगी कैमरा के थ्रू, और रिफाइंड वे में आपकी टीचिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, फिर स्टोरिंग होगी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, जैसे ये अभी चल रहा है, ये आईसीटी बेस्ड चल रहा है, या जूम पे जो हम लोग क्लासेस करते हैं वो आईसीटी बेस्ड हो गया, जिनको आप स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, मतलब वापस से आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो, उनको मैनिपुलेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक। ये तो एक बात हो गई, फिर इसमें आगे क्या चीज़ है कि देयरफॉर दिस हैज बीन इंकरेजिंग, काफ़ी इस वजह से इसको इंकरेजमेंट किया जाता है, एक्टिव लर्निंग का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं रोल है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे हमारा चैनल पे पढ़ाना खुद से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का जोर है, दबाव है, बट ठीक है आपको पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं, तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होगी। इट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू रीच द स्टूडेंट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या है कि इस अभी यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी कोई भी बच्चा इस वीडियो को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है ना, ये चीज़ मॉडर्न में नहीं था। मॉडर्न में क्या था कि क्लासरूम में आपको पीपीटी के थ्रू, ट्रांसपेरेंसीज के थ्रू, ज्ञान तरीके से कहले प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो वो मॉडर्न में हो गया। बट आईसीटी बेस्ड, अब जब जिसका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, अगर आईसीटी वर्ड आ गया और वेब वर्ड आ गया, तो इट मीन्स कि ओपन टू ऑल हो गया, मैसिव स्टडी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो गई है ना, जूम के थ्रू क्लासेस, हम जूम के थ्रू क्लासेस, ये आपका मॉडर्न में नहीं आएगा। क्लासरूम में जितनी भी चीजें ऐड कर रही हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें प्रोजेक्टर भी इंक्लूड है, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि आईसीटी बेस्ड क्या है, मतलब मॉडर्न को थोड़ा सा और इन्हांस कर दिया। इसमें आपके इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, टेलीफोन कनेक्शन के एक वक्त में जरूरत पड़ती थी, बट अभी तो नहीं पड़ती है। इसमें आपके ऑडियो विजुअल्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बड़ा सेटअप करना पड़ता है भाई, सच में बड़ी मगजमारी है इसमें आईसीटी में। रिसेंट ईयर की अगर बात करें तो आईसीटी एक तरीके का ऐसा टीचिंग एड्स है जो कि एक अनदर मीडियम आप कह सकते हो नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए, टीचर और लर्नर के बीच में एक लिंक जो है वो पैदा करता है, एक लिंक, एक बॉन्ड पैदा करता है ऑडियो विजुअल्स और इंटरनेट के माध्यम से, हम जो भी चीज़ें बोल पाते हैं। तो अभी अगर देखें, मतलब अगर अभी लाइव एग्जाम्पल ले हम, तो अभी क्या टीचिंग एड है, अभी आपके सामने एक वीडियो दिख रहा है, एक यूट्यूब के चैनल पे आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, तो इंटरनेट, उसके बाद कंप्यूटर, है ना, मेरे लिए टीचिंग एड क्या है कि मेरा सिस्टम, मेरा ये सेटअप, मेरे लिए ये जो एक पेन आप बोल सकते हो, ये सारी चीजें, है ना, पीपीटी या पीडीएफ जो भी है, ये सब टीचिंग एड्स है, मतलब कि मेरे द्वारा आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ यही चीजें नहीं है, ये तो है ही है कि जो हमारी टीचिंग को और अच्छा फ्लेक्सिबल, एक लंबे वक्त तक आप इसको रिटेन कर सकते हो, उसके अलावा भी क्या है, स्किल्स, कुशलता, कौशलता इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंसी, योग्यता इंपॉर्टेंट है, हमारा एटीट्यूड, रवैया इंपॉर्टेंट है। अब टीचर आकर के बैठ जाएगा और बहुत एटीट्यूड में बोलेगा तो वो एक फन नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, है ना, एक प्रॉपर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, एक टीचर का, मैनेजर का, और स्पेशली स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का जो एक रवैया है चीजों को सुनने का, ग्रास्प करने का, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो आपके सपोर्ट, जो भी लर्निंग है या आप बोल सकते लर्निंग एड्स हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सपोर्ट सिस्टम है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड जनरेशन ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसीज इन आईसीटी आर फास्ट बिकमिंग की इश्यूज फॉर टीचर्स एंड ट्रेनिंग लर्निंग, मतलब ट्रेनिंग और लर्निंग के
के मतलब तरीके से बात करें तो जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेज हैं, मतलब जो चीज़ें अब नई डे बाय डे चीज़ें आ रही हैं, है ना, पहले सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें नहीं होती थी बट अब हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक नवाचार हो रहा है, कुछ इनोवेशन हो रहा है, कुछ नई प्रैक्टिसेज नई रीतियाँ आ रही हैं। तो अब जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके अंदर में एक नई कॉम्पिटेंसी होगी, एक नई योग्यता होगी, एक नई क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये काफी फास्ट डेवलप हो रहा है। तो ये एक टीचर के लिए और टीचर ट्रेनिंग ट्रेनर के लिए भी और टीचर के लिए दोनों के लिए एक एक तरीके से चैलेंज भी है, एक अच्छी भी बात है, दोनों ही एस्पेक्ट है इसका, है ना। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब इसमें एक जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। अब तो हमने ये पढ़ लिया कि टीचिंग एड्स क्या है, कुछ कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपकी टीचिंग में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? जैसे अगर टाइम के आधार पे वो फैक्टर बोले गए हैं, सेंस के आधार पे वो फैक्टर बोले गए हुए हैं। उसके बाद ये तो दो हो गया, मतलब चार हैं, दो तो हम लोग ये पढ़ेंगे बट मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ। प्रोजेक्शन के बेसिस पे है, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट है क्या, डेल्स वाला जो हमें पढ़ना है, ये वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एन एड। तो ये तो एक बात हो गई, पहले तो इसको देख लेते हैं क्या कुछ है चीजें इसमें। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स की अगर बात करें, फैक्टर्स की अगर बात करें, तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड आ जाता है या नॉन कन्वेंशनल मेथड आ जाता है। ठीक, सेंस के आधार पे अगर बात करें तो अब सेंस क्या है, मतलब टीचिंग एड में ट्रेडिशनल क्या है, यहाँ पढ़ चुके हैं, मतलब चॉक एंड बोर्ड ये वाला। मॉडर्न में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टर्स के थ्रू, ट्रांसपेरेंसीज के थ्रू, एंड देन क्लास में जो एक कोई भी गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करके आपको टीचिंग करा दी उसके थ्रू। एंड देन सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे क्या, मतलब हमारे सेंसेस, सेंसेस का मतलब क्या, जैसे ऑडियो, आप चीजों आपकी आंख से चीजों को देख पा रहे हो, कान से चीजों को सुन पा रहे हो, फिर ऑडियो विजुअल दोनों चीजें हैं, है ना। तो ये आपके हो गए सेंसेस, मतलब ऐसे आप सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे एड्स का इस्तेमाल कर रहे हो टीचिंग के लिए जिनमें आपके विजुअल्स हैं, मतलब आप देख पा रहे हैं, जैसे चॉक एंड बोर्ड अगर बोला जाए या मॉडल्स देखा जाए, पिक्चर्स, चार्ट, मैप, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो ना, विजुअल्स हैं। ऑडियो में जैसे आपने कुछ रेडियो से सुन लिया, टेप रिकॉर्डर से सुन लिया, ग्रामोफोन से सुन लिया, हालांकि ये चीजें अब चलती नहीं है क्योंकि अब इनहांस्ड वे में स्टडी हो रही है ऑडियो विजुअल थ्रू में, टेलीविजन के थ्रू, फिल्म प्रोजेक्टर्स के थ्रू, फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू एटसेट्रा, अभी क्या है वाईटी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू चीजें चल रही हैं। तो ये एक बात हो गई, है ना। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन के थ्रू, प्रोजेक्टर का मतलब क्या, जैसे कि जब पीपीटी हो गया आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स के थ्रू आप चीजों को देखते हो, ट्रांसपेरेंसीज के थ्रू देखते हो, फिल्म्स के थ्रू देखते हो, ओवर हेड जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं उनमें लाइट्स जाती हैं, फिर वो डिस्प्ले होती हैं बड़े पिक्चर पे, टीवीज के थ्रू, वीसीआर के थ्रू, ये सारी प्रोजेक्टर है। नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब हो गया चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मतलब वो सारी चीजें जो कि जहां पे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां पे आप फिजिकल कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैं आपको कुछ चीज दिखा दूं कि ये पेन है ना, मैं कुछ अपने आसपास की चीजों आपको, आप कॉपी दिखाऊं, पेन दिखाऊं, आपको कुछ मॉडल्स दिखाऊं, मटेरियल्स दिखाऊं, ना फैनल बोर्ड्स दिखा दूं, मैग्नेटिक बोर्ड्स कुछ दिखा दूं, तो नॉन प्रोजेक्टेड मेथड्स का आप इस्तेमाल करोगे तो वो सारे आ जाएंगे। मतलब प्रोजेक्शन को दो पार्ट में या शो को दो पार्ट में डिवाइड करा है, ये तो एक बात हो गई। नेक्स्ट है इसमें कि अब ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक डायग्राम है जो आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है डिफरेंस, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एन एड। अब एक व्यक्ति थे, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पे बोला कि मेरे हिसाब से एक एड और है या एक सपोर्ट सिस्टम और है जिससे कि टीचिंग में हेल्प मिलता है। तो वो कौन थे जिन्होंने ये बात बोली, वो थे प्रोफेसर इडगर डेल, इसको प्रोफेसर डेल भी बोलते हैं या प्रोफेसर ई डेल से भी बोलते हैं। इनका क्या अनुभव था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन माने क्या होता है, आइसक्रीम देखा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का कोन कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऊपर आइसक्रीम होती है। तो इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस का एक कोन होता है, मतलब ये ऊपर एक्सपीरियंस होता है और नीचे कोन होता है, तो एक्सपीरियंस ऑफ कोन हो गया। कोन कुछ बड़ा वो वर्ड नहीं है, कोन का मतलब ये जो आइसक्रीम वाला कोन होता है उसकी बात हो रही है। तो ये एक टर्म इन्होंने दिया, किन्होंने दिया, प्रोफेसर एडगर डेल ने दिया, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर टीचिंग के एक एड को अरेंज किया पिक्टोरल फॉर्म में, मतलब पिक्चर के फॉर्म में। क्या अरेंज किया, अब देखो इसको अरेंज किया, इसको थोड़ा समझना ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है।
तो इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है ना। आप देखो कहां से कहां तक तीन पार्ट है, यहां से यहां तक एक पार्ट ये हो गया, देन यहां से यहां तक सेकंड पार्ट हो गया, एंड देन ये थर्ड पार्ट हो गया। एक तो उन्होंने बोला कि जो टीचिंग में हेल्पफुल होता है अपनी बात को, टीचर मतलब टीचिंग का जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है, या अपनी बात को स्टूडेंट्स और लर्नर तक पहुंचाने के लिए जो एक एड होता है, होता है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें बच्चा या जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो करके सीखता है, बाय डूइंग लर्निंग। इसमें क्या है कि आपको कोई चीज करा के सिखाते हैं, ठीक। ये तो डायरेक्ट हो गया कि आपको कोई चीज हमने कराई सिखाई, तो वो सारी चीजें जो हम आपको, वो सारी चीजें जो हम आपके सामने रख रहे हैं आपको सिखाने के लिए, वो आपकी टीचिंग एड्स हो गई। फिर आइकॉनिक एक्सपीरियंस, इसमें आपकी जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है, मतलब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, छू नहीं रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो, चुपचाप देख रहे हो या सुन रहे हो। फिर हो गया सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, इसमें लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, इसमें एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू लर्निंग होती है, मतलब कि आप विजुअल्स के साथ सिंबल्स देख रहे हो और वर्बल्स के साथ कुछ सिंबल्स को देख रहे हो, एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू आप कुछ लर्निंग कर रहे हो। तो ये तो एक बात हो गई है ना। अब क्या है इसमें, डायरेक्ट में क्या है, पर्पसफुल होता है, एक्सपीरियंस्ड वे में होता है, और पर्पसफुल में क्या है कि डायरेक्ट पर्पस थ्रू एक्सपीरियंस होता है, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। सॉरी, यहाँ ये जो है ये यहीं तक है, इस पॉइंट तक है ना। इसमें तीन चीज है। तो ड्रामेटाइज वे में आपको एक्सपीरियंस होता है, मतलब आपको ड्रामा वामा करके कोई चीज दिखा दी, कोई चीज बता दी, कॉन्ट्राइव करके किसी चीज को बता दिया। कॉन्ट्राइव का मतलब ये जैसे काल्पनिक चीज है, कोई स्टोरी बता दी आपको कि एक राजा थे, एक रानी थी, ये थे, वो थे, है ना, इतना। तो कॉन्ट्राइव एक्सपीरियंस का मतलब काल्पनिक अनुभव, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस का मतलब कुछ ड्रामा करके, दो चार स्टूडेंट्स को ड्रामा वामा कुछ करा करके दिखा दिया, बता दिया, तो बच्चा इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये पर्पसफुल एक्सपीरियंस लर्निंग होती है, जिसमें आप करते हो और सीखते हो। आइकॉनिक एक्सपीरियंस में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन, फिजिक्स के लैब में लेके गई, केमिस्ट्री के लैब में ले गई, मैंने दिखाया। स्टडी ट्रिप, आपको मैं लेकर के कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्लेस पे लेके चली गई और दिखा दिया। एग्जीबिशन करा दिया, कॉलेज में ही एग्जीबिशन करा दिया, पोस्टर्स के थ्रू या फ्लैपकार्ड्स के थ्रू, किन्हीं भी चीजों के थ्रू एग्जीबिशन करा दिया, प्रदर्शनी बोल लीजिए। फिर एडुकेशनल टेलीविजन के थ्रू, मोशन पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, किन्हीं बड़े व्यक्ति की मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स दिखा दी या कोई पिक्चर्स वगैरह दिखा दी, तो वहां पे आप उन सारी चीजों को देख करके, सुन करके क्या कर पाते हो, चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हो। देन सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, सिंबल्स के थ्रू, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या, भावात्मक लर्निंग, और भावात्मक लर्निंग हमेशा संक्षेप में होती है, समरी, मतलब आप, अब ये एकदम, ये फर्स्ट लेवल है लर्निंग का, ये सेकंड लेवल है इनके हिसाब से, ये थर्ड लेवल है। अब क्या है कि आप चीजों को, आपको सिर्फ ब्रीफ में बताना है और आप चीजों को याद कर ले जाओगे, सीख जाओगे। अब सिर्फ मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगी, सिंबल्स दिखाऊंगी, कुछ वर्बल सिंबल दिखा दिया, वर्बल ना मौखिक रूप से, जैसे कि ऐसे ए बी कुछ ऐसे डिजाइन बना करके, है ना, ये बोल करके दिखाया। विजुअल्स में मैं सिर्फ चुप हूँ, सिर्फ दिखा रही हूँ, है ना, तो ये उस तरीके की लर्निंग हो गई। वर्बल्स में बोल भी रही हूँ, सिंबल्स भी कर रही हूँ, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक। तो इस हिसाब से भी लर्निंग होती है, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या, भावात्मक तरीके से संक्षेप रूप में आप इस चीज को समझते हो। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको पॉज करके जरूर से एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा, पढ़ लोगे तो वैसे काफी कुछ सीख तो गए ही होगे, है ना। और कॉन्ट्राइव का मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लेना। कॉन्ट्राइव का मतलब यहां पे मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा, इसमें आपको यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है, काल्पनिक, ये हो गया, समझ में आ गई। बस इतनी सी ही बात है, आपके टीचिंग लर्निंग एड की बात करें तो ये डेल्स का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक अलग से व्यक्ति निकल के आए जिन्होंने फिजिकल रिजेम्बलेंस को इम्पोर्टेंस दिया कहीं ना कहीं, और इन्होंने अपना डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, वर्बल सिंबल्स, कुछ इन्होंने डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस को बताया, जिससे कि लर्नर्स को या पार्टिसिपेंट्स को काफी कन्वीनियंट हो जाता है चीजों को समझना, देखना। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसे, इसको बोला जाता है कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस या कोन्स एक्सपीरियंस बोला जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट था, कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस कब दिया था, 1959 ने, 1959 में किन्होंने दिया था, प्रोफेसर एडगर डेल ने दिया था, ठीक। तो ये तो एक चीज थी। फाइनल कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन में क्या है, देखो टीचिंग
एड्स जो अवेलेबल हैं आपके लिए अवेलेबल है, दैट मीन्स लर्नर के लिए, और ये टीचर को या फैसिलिटेटर को, हम लोग कौन है आपके लिए, शिक्षक है या फैसिलिटेटर है, मतलब कि एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, या एक मीडिएटर बोल सकते हो, या कुछ भी आप एक हमें नाम दे सकते हो जो आपको आपकी बेहतर लर्निंग के लिए, या आप बोल सकते हो आपकी बेहतर नॉलेज आपको मिल सके, उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए एड हो गई। ठीक, तो कुछ मटेरियल्स का या कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जब आप करते हैं ताकि लर्नर्स को इंटरेस्ट जागे, स्टिम्युलेशन हो सके, मतलब कि आप उसको मोटिवेट कर सको कि आप जो पढ़ाई करो वो ज्यादा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रिटेन कर सको, इस वजह से कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कन्वेंशनल टीचिंग एड्स मेथड्स कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक अच्छा बोल सकते हो कि मीडियम बन रहा है, इंटरेक्शन अच्छा हो पाता है। तो ये कुछ चीजें थी, फाइनल कंक्लूजन था कि टीचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है या टीचिंग एड या सपोर्ट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी सीक्वेंस में वीडियोज मिलेंगी, वहां से सारी वीडियोज को देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाया है, एक्सप्लेन किया है, तो कुछ तो आपका सपोर्ट करना बनता है। अपना देखो पैशनेट बनो, अपना मोटिवेशन खुद बनो, अपने मोटिवेशन के लिए किसी और एक्सटर्नल सोर्सेज का वेट मत करो। चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को, अगर पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ मुझे फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और नहीं किया है शेयर करना अगर अच्छा लगा तो, नहीं भी लगा तो भी कर देना। ठीक, तो ये तो एक बात हो गई, मिलते हैं अगले सेशन में। बस आपका एक टॉपिक बचा हुआ है इवैल्यूएशन वाला, उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक वाइज हमने इसमें सारी चीजें पढ़ी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो पुराने कंसेप्ट थे उनको भी पढ़ा, नए कंसेप्ट को भी पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन था ये, और ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें सारी चीजों को बहुत डीप वे में पढ़ा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, तैयारी जम के करो, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। आज 7 तारीख हो गई लगभग, ये मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में 7 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है, 7 अक्टूबर से, तो एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे आपके, कभी भी आ सकते हैं, कभी कभी का मतलब क्या 10 दिन पहले आएंगे, मतलब एक मोटा मोटी मान के चलिए। तैयारी उस हिसाब से करिए कि आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाए, इस बीच में सब कुछ ठीक रहा तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, मतलब सिचुएशन सब कुछ ओके ओके रही, कोविड बाकी और चीज़ों की वजह से डिले भी हो सकता है ना। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, चलो।